सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज 700 बच्चे जहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं आरएम एजुकेशन के नाम पर, इसकी बुनियाद, इसके फाउंडर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी शामिल साहब तरफ मैं इतना बोलना चाहता हूँ, और इनकी कुर्बानी से आज रनबनिया मस्जिद के अंदर और आरएम एजुकेशन का इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतने बच्चे जो इल्म हासिल कर रही, एजुकेशन हासिल कर रही, हाजी शामिल साहब और इनके कमेटी के सारे जिम्मेदार फारूक पाशा साहब, जबीउल्लाह साहब और तमाम पूरे मिलकर के ये चीज़ को यहाँ तक लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं है, प्राइवेट, लेकिन एडेड कर को ही, अब ये एडेड के अंदर, अब जैसा कि तुम्हें लोग जानते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे एजुकेशन चेयरमैन फॉर बीबीएमपी स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिल को बनाया। मैं हमेशा से मैं एजुकेशन के ऊपर काम करते आता हूँ, हमेशा से, शायद उसी की वजह से अल्लाह ताला जो है मुझे एजुकेशन के वास्ते बिल को चेयरमैन बना को भेज कर दिया वो बीबीएमपी को। लेकिन हमेशा से मुझे रहमानिया मस्जिद में ये जो आरएम एजुकेशन चल रही है, तो इसके ऊपर हमेशा से मुझे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है और वहाँ क्या वाकई में जो गवर्नमेंट से फैसिलिटीज थी वो सारी फैसिलिटीज एडेड को भी है पहुँच चुकी, या गवर्नमेंट वाले देरी या नहीं देरी बिल्कुल एक बात की फिक्र हमेशा रहती थी। लेकिन कई बार हमारा कम्युनिकेशन, ये जो हमारा जय भारत एसोसिएशन, जय हिंद एसोसिएशन का मेरा और उनका कम्युनिकेशन जरा दूर रहने की वजह से तुम्हारे तक मैं पहुंच नहीं सका। की करो बोले तो आप अल्लाह अल्लाह पेशेंट अल्लाह करते सो, लेकिन हमारा इरादा भी रहना ना अल्लाह किसी ना किसी को इंसान को जरिया बना को भेजते सो है नहीं, तो कम्युनिकेशन की गैप के वजह से मुझे यहाँ आने नहीं हुआ, जिसके चलते मैं हमेशा से हमारे अमजद को, हमारे जमीर पाशा को सब मैं बताता था कि तुम्हें लोग जरा स्लो होगी, ये तुम्हारे स्लो होने का जो ये है तुम्हें अल्लाह को जवाब देना पड़ता। की कर को बोले तो जो सर्विस तुम्हें लोग 8 साल 10 साल से देने को अलग होगी कंटिन्यूसली आरएम एजुकेशन को लेकर, हमें बहुत से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर को ही ना आरएम एजुकेशन को लेकर बहुत सारे बच्चा के साथ, अब जिन्हें भी कोई कंपटीशन में जाना चाहा जिसके अंदर कुछ अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो थे, तो ये सारे चीज़ें हमें मोटिवेट कर को, उनको एनकरेज कर को, प्राइजेस के जरिए से, उनको स्पोर्ट्स ड्रेसेस के जरिए से, बराबर, और सारे छोटे मोटे जो उस वक्त के जो हमारे हालात थे बुक्स के जरिए से और तमाम चीज़ों के जरिए से जय हिंद एसोसिएशन और मैं, हम दोनों मिलकर के इंशाल्लाह आरएम एजुकेशन के वास्ते छोटे पैमाने पर हमें भी हिस्सा ले को काम कर को ही। लेकिन ये कम्युनिकेशन की गैप की वजह से आज वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म होगा, आरएम एजुकेशन को और हमारे बीच जो ब्रिज का काम कर रही वो हमारे जय हिंद एसोसिएशन वाले घर को मैं तुमना बोलना चाहता हूँ। माशाल्लाह ऐसी सोच के नौजवान, अब हाजी साहब जो उस वक्त करे, हाजी शामिल साहब ये कौन भी नहीं कर सकता काम, की कर बोले तो एक जिंदगी मिसाल है, इतने बड़े जो इमारत खड़ा कर को ही ये मेंटेनेंस रहे हर चीज, हाजी साहब की कितनी तारीफ करे तो भी कम नहीं, अल्लाह इनको और ताकत दे दे और माल से अल्लाह हर इनकी परेशानी दूर करेंगे और माला माल करेंगे हाजी साहब को, बड़े
के साथ बहुत बड़े दीवार है हमारे इलाके के अंदर। दौलत तो है लेकिन दिल बहुत कमजोरियां गुजरता है। दौलत तो है लेकिन दिल बहुत कमजोरियां गुजरता है। लेकिन वो दिल वाले बोले तो रियल में हमारे हाजी साहब बोल ऐसे दिल वाले हम कोई भी नहीं देखा है। बोले तो सबके बच्चा मुसत करती भाई मेरा बच्चा कर ले तू हमें सब अपने अपने बच्चा कर लेती। लेकिन मोहल्ले के बच्चों के वास्ते कौम के बच्चों के वास्ते इतना बड़ा इमारत खड़ा करको लाखों रुपए खर्चा करको इतना सारा जो काम करको हाजी साहब तुम्हारे बीच रखी गए तो तुम्हें लगा सब भूलना नहीं है भुला करना हाजी साहब के वास्ते करती ना करती नहीं करते। और हाजी साहब के जो साथिया है उनके वास्ते भी दुआ करो। और हमारे मुनीर भैया जैसा कि हमारे सर मैं उनका स्टूडेंट आज मैं जो कुछ भी हो कन्नड़ा रंदे हिंदी रंदे जो कुछ भी लिख ले तू पढ़ ले तू बोल ले तू पहले तो अल्लाह उसके बाद में हमारे शफी सर की बोला लो मालूम है शफी सर एवरग्रीन स्कूल के प्रिंसिपल तो इनकी बदौलत इनका मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसा शफी सर बताए कि हमारे मुनीर साहब के बारे में यूनिक मेडिकल ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है जो कि 20 रुपए में सबका इलाज हो जा रहा 20 रुपए में सबका इलाज हो जा रहा। और इंशाल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से क्या और अल्लाह इनसे खिदमत ले लेकर को बोलते हैं। और रही बात हमारे बाबा असगर और हमारे मुजाहिद और इलियास तो तमाम जितने भी हैं हमारे बीच मौजूद हैं सारे जो है एक दूसरे को काम कर ले को चाले को हिस्सो और एक दूसरे की मदद कर ले को चाले को हिस्सो कौम के वास्ते उम्मत के वास्ते अपने अपने हिसाब से सब जने खिदमत कर ले अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल कर ले। और रही बात ये गवर्नमेंट एडेड का इंशाल्लाह जैसा कि हमारे सर बताए वी और डीडीपीएच को मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह जो ये जरा गौर से सुना है ये जरा गौर से सुना मैडम इधर आओ जो गवर्नमेंट में फैसिलिटीज देखो ही जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पीबीएमपी स्कूल्स में जो एडेड में फैसिलिटी नहीं देखो ही इंशाअल्लाह अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूं लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह से मुझे यकीन है कि जो बीबीएमपी के और जो गवर्नमेंट स्कूल्स को जो फैसिलिटीज बच्चों के वास्ते टीचर्स के वास्ते जो सारे देरी इंशाल्लाह मैं एडेड स्कूल के वास्ते भी इंशाल्लाह यहाँ से मैं मेहनत करता हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं गवर्नमेंट तक तुम्हारी बात लेने को जाता हूँ इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट से तुम्हारा मैं काम करता हूँ बच्चा के वास्ते जो सारे फैसिलिटीज थी इंशाल्लाह मैं कर ले का तू गुरबा तुम्हारे बीच वादा करता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन तुम्हें लोग दुआ करना अब बच्चे आज यहाँ पर आने का एक वजह खास मकसद क्या करके बोले तो हमारे जय हिंद के एसोसिएशन के जो हमारे भाया हैं जमीर पाशा अफसल भाई हमारे अमजद और हमारे चांद पाशा रफी इरफान एजा तमाम फयाज भी इन सारे लोग मिल करके जो आज के जो प्रोग्राम अरेंज करे ये प्रोग्राम के अंदर आर एन एजुकेशन में जितने भी अच्छा पढ़ने को हमसे बच्चे जो मेरिटोरियस जरा गौर से सुनना बच्चे सभी बेटा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस यानी के जिन्हें जो अच्छा पढ़ती जिसके अच्छे मार्क्स हैं जो जिसकी अच्छी रैंकिंग है तो वैसे बच्चे के वास्ते करके बोल को हमारे जय हिंद के एसोसिएशन के जानिब से जय हिंद एसोसिएशन के तरफ से 60 स्टूडेंट्स नहीं कहना अल्लाह के हाथ में कोशिश तो करना ना इंशाअल्लाह ताला मैं बस अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स और एडेड के बारे में बात कर रहा था इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें सब दुआ करो अल्लाह ताला ये बच्चों के वास्ते इनके फ्यूचर के वास्ते और इनको जो गवर्नमेंट से फैसिलिटीज है एडे को नहीं है एडे को भी ले लगाने के वास्ते इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। और हमारा मैडम बताए
निकट मैडम पानी का प्रॉब्लम है यानी कि आरओ फिल्टर्स के वास्ते, तो इंशाल्लाह मैं हमारे साथी को यहाँ बुला लगा को हूँ, इंशाल्लाह अभी तुमको मैं दिखा को देता हूँ, इंशाल्लाह मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर इधर आरओ फिल्टर्स बिठा दूँ पानी के बाद 3 दिन के अंदर 3 दिन आरओ आरओ 3 दिन के अंदर पानी का बिठा को देता हूँ मुर्दस्तुबारी। तो 3 दिन में इंशाल्लाह पानी का मैं बिठा के देता हूँ। अच्छा खूब पानी पीना, पीतनी पानी कितना पीती होता। अच्छा कौन कौन ज्यादा पानी पीते सो? हाँ पीती। अभी कौन नहीं पीते से पानी? हाँ तो पानी पीता नहीं क्या बेटा? पीता है। हाँ वेरी गुड, पानी ज्यादा पीना अच्छा हो सेहत को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बैग्स हमारे हाजी साहब हमारे ये जय हिंद एसोसिएशन के नौजवान के अंदर को नहीं, और बैग्स जो है सिर्फ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो अच्छी रैंकिंग जो अच्छा पढ़ रही लिख रही यानी कि उनको प्राइस की शक्ल में हमारे जय हिंद एसोसिएशन से आज तकसीम किया जा रहा। मैं तहे दिल से हमारे जय हिंद एसोसिएशन के नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो काम तो मैं लेकर निकला था, जिस काम से मैं निकला था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के अंदर मेरा साथ देने के वास्ते बल्कि हमारे बच्चों का साथ देने के वास्ते एजुकेशन के बस एजुकेशन को साथ देने के वास्ते ये हमारा एसोसिएशन वाले आगे बढ़कर जो निकली इंशाअल्लाह ताला इससे बढ़कर मेरे वास्ते क्या भी कोशिश की। ये कदमी का कभी कर सकता है? ये कदमी से क्या भी नहीं होता जब तक के एक दूसरे का साथ नहीं रहता, एक दूसरे का कम्युनिकेशन नहीं रहता, एक दूसरे के साथ राय मशवरा नहीं करते। हर आदमी हमारे मुजाहिद पे ने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, अच्छे अच्छे एडवाइस देती उन्होंने भी, तो ऐसा है बेटी से वाले सब जने के पास अल्लाह ताला कोई ना कोई खूबी अल्लाह ताला रखो है, तो सारे एक से नहीं एक से दस पूरे मिलकर चले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बच्चिया का एजुकेशन का होम का इंसानियत के वास्ते काम कर सकते सो भला कर सकते सो। तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट तुम्हारे लोगों से टीचर से हमारे मैडम से बच्चा से के जय हिंद एसोसिएशन वाले के वास्ते मेरे से ज्यादा उनको दुआ करो, मेरे से ज्यादा उनको दुआ करो। तो आरएम एजुकेशन और इमरान पाशा के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो ब्रिज का काम हमारे जय हिंद एसोसिएशन वाले कर को ब्रिज देखी ना। तो जय हिंद एसोसिएशन जो है बच्चा के एजुकेशन के वास्ते बच्चा के मुस्तकबिल के वास्ते बच्चा की तरक्की के वास्ते एक ब्रिज बन को खड़ी इंशाल्लाह। मैं भी इनके साथ हमारे बड़े हाजी शामिल साहब के साथ हमारे शफी साहब के साथ हमारे जबरुल्लाह साहब के साथ मुजाहिद के साथ इलियास असगर पाशा बाबा साहब के साथ हमारा मुनीर साहब जितने भी ही ये सारे जने मिल करके इंशाल्लाह हमारा जो सारों का जो इंटरेस्ट है इंशाल्लाह ये पूरा मैं करने की कोशिश करता हूँ। और आज ये सारे चीज़ें तकसीम होने के बाद मैं एक रिपोर्ट लेता हूँ, सबसे बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है इंशाल्लाह एक आधा पौना मैडम मुझे सुना को ही इंशाल्लाह और भी मैं इनसे डिस्कस कर को क्या करना क्या नहीं करना वो भी मैं इंशाल्लाह ले लेता हूँ। और रही बात कितना टोटल शर्ट 700 का है सर? 27 फ्रेम भी है। अच्छा अच्छा बैग है किस किस के पास नहीं किसके पास नहीं किसके पास नहीं नहीं सवाल हाथ उठाओ बैग है किसके पास नहीं इधर ज्यादा नहीं ये कर रहा इधर क्या बेटा अब तुम्हारे बिना बैगा नहीं नहीं हाँ बैगा नहीं इंशाल्लाह आज जय मालूम और स्ट्रेंथ पीछे है आउट ऑफ जितने भी 700 बच्चे हैं अब इंशाल्लाह हमारे जय हिंद एसोसिएशन वाले
इनके तरफ से एक टेस्टिंग करने के बाद एक डिटेल रिपोर्ट मुझे ला को देती है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट से भी मैं कराने की कोशिश करता हूँ, और साथ में इंशाल्लाह ये जितने भी बच्चे ही जो मैडम देती उनको सबके सबको मेरे तरफ से इंशाल्लाह ICC बैकअप थोड़े आपको मैं इंशाल्लाह देता। आज हमारे जय हिंद एसोसिएशन की तरफ से 60 बच्चा को दे रही जो अच्छा पढ़ लिख को नहीं अच्छा मार्क्स ले को नहीं, और इंशाल्लाह ताला मेरे तरफ से जो जय हिंद एसोसिएशन वाले आगे बढ़ को इतना बड़ा काम करी तो इंशाल्लाह इनका काम देख को मई इंशाल्लाह जितने भी मिसिंग नहीं समझो 600 रंदे 500 रंदे 400 रंदे जितने भी जो नहीं जिसके पास उनको इंशाल्लाह मेरे तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट पानी में पीती नहीं। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़।